Hello friends, Hare Krishna, my name is Madhvi Singh. जैसे कि आपने पहले मुझे डांस की वीडियोस में देखा होगा क्योंकि मैंने अपने डांस डाले हुए हैं और समय समय पर मैं और डालती रहूँगी. मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको अलग अलग तरह से कुछ ना कुछ बताती रहूँगी. चलिए आज हम बात करते हैं बालों के बारे में. आजकल बालों को कलर करने का बहुत बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है. अलग अलग तरह से लोग करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है करना, आपको भी अच्छा लगता होगा ऑफकोर्स. तो बालों को करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पसंद, जैसे मेरी मदर, मेरा ब्रदर है, उन्हें काले बाल ही पसंद है. लेकिन अपना अपना टेस्ट है, मुझे तो अच्छा लगता है करना. चलिए हम बालों को फिर हाईलाइट करते हैं. हालांकि मेरे हुए पड़े हैं, लेकिन मुझे थोड़ा इसमें डार्क चाहिए. डार्क करते हैं फिर मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसे करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. मैंने बीच में से सेक्शन निकाल कर जहाँ से लेकर मैंने अरमान कौन सी ली थी, लेकिन आपको मालूम है मैंने क्या क्या चीज़ें. मैंने ब्लॉन्डर और ये ड्वेल्पर है. इन दोनों की हेल्प से मैंने सेक्शन निकाल के, क्योंकि मुझे सिर्फ ये वाला एरिया ही चाहिए था मैंने इसलिए, क्योंकि ये जब पार्टीशन करेंगे तो दोनों तरफ से दिखाई देगा. अभी तक मैंने इतना करा, लेकिन हाँ आप ये मैं कहना चाहूँगी आप लोगों को ज़रूर, कभी भी आप कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले जब तक आप उसकी नॉलेज ना हो आप उसे कभी मत करिएगा. क्योंकि आप जानते हो ये केमिकल होते हैं, ज़्यादा लग जाए, टाइम इसका ओवर हो जाए तो आपके बालों को नुकसान कर सकता है, हार्मफुल हो सकता है. इसलिए अगर आपने थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपको आप जानते हैं कि ड्वेल्पर का क्या काम है, ब्लेंडर का क्या काम है, डिपॉजिट कैसे किया जाता है, तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिए, वरना इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा. फिर आप जाके पार्लर्स में करवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. चलिए जब तक ये होता है फिर मैं आगे आपको दिखाता हूँ. ओके, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने वही वाला एरिया लेकर ही किया था. मैंने कोई अबाउट 20-25 मिनट्स मैंने रखा था एल्यूमिनियम फॉइल में करके. अब आप देखो मेरा ये कलर आ गया, थोड़ा इसको ड्राई होने दो. ड्राई होने के बाद फिर हम इसमें कलर डिपॉजिट करेंगे. अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बाद में और अच्छा लगेगा. ओके, आगे करते हैं. आपने देखा मेरा ये वाला एरिया कैसे कैसे कवर हो गया है ना, क्योंकि मैंने जब इस पर डिपॉजिट किया तो मुझे यहीं तक ये शेड अच्छा लगा, क्योंकि वो मैंने मुश्किल से 5-7 मिनट रखा था. प्री लाइट करने के बाद तो आपकी मर्जी, आप किस लेवल तक लेकर जाते हो उसको अपने बालों को, और फिर जब उसमें डिपॉजिट करते हो आपको कैसा लगता है. मेरे को तो कलर बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे इतना ही चाहिए था. फिर कभी मैं अगर स्ट्रेट बाल भी करती हूँ तब भी पीछे जाएगा, एक तरफ भी करती हूँ तब भी आएगा, ऐसे मुझे अच्छा लगा. अच्छा फ्रेंड्स, अब हम समय समय पर ऐसे मिलते रहा करेंगे, कुछ ना कुछ नई वीडियोज लेकर आपके लिए आऊँगी, और भी बातें करेंगे, कुकिंग पे भी, डांस पे भी, और भी सोशल बातें करेंगे. तब अच्छा लगेगा आप, मुझे भी अच्छा लग गया आपके साथ डांस करके. तब तक टिल देन राधे राधे, बाय बाय.